आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। महंगी बिजली, सस्ती जिंदगी और इलेक्शन की गारंटी, ये हैं वो बीट जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। नवाज शरीफ सितंबर में पाकिस्तान आ रहे हैं। 2022 खत्म होने से पहले पहले नवाज शरीफ वापस आएंगे। खुशखबरी सुना दूं आपको, आपका और मेरा महबूब कायद बहुत जल्दी फिर वापस आएगा। मियां नवाज शरीफ साहब की अब आमद आमद है, पपर शेर वापस आ रहा है। इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अक्टूबर में पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। सुभाष चंद्र बोस मुत्तहिदा हिंदुस्तान में अंग्रेजों से मुसल्ला आजादी की जिद्दोजहद का आगाज करने वाले अहम तरीन रहनुमा थे। इसीलिए वो हिंदुस्तान में नेताजी के नाम से जाने जाते थे। वो वाहिद रहनुमा हैं जिनकी आज भी हिंदुस्तान के सरकारी दफातर में महात्मा गांधी के साथ तस्वीर लगाई जाती है। आप यूं कह लें कि अगर गांधी सियासतदान थे तो चंद्र बोस मुजाहिद थे। उनकी जिंदगी का तवील अरसा जेल में गुजरा। वो अपनी जिद्दोजहद और मकसद के हुसूल के लिए जर्मनी, जापान, रूस और अफगानिस्तान तक। चंद्र बोस का एक जुमला हिंदुस्तान में जबान ज़दियाम हुआ कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने आजादी दिलाने के लिए गारंटी मांगी थी। तो जनाब, हमारे यहाँ भी गारंटियां देने और लेने का रिवाज एक अरसे से पाया जाता है। किसी को इक्तदार दिलाने की गारंटी तो दूसरे को इक्तदार से निकालने की गारंटी। वैसे आजकल हमारे भी एक नेता कुछ गारंटीज मांग रहे हैं और ये लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, जो 4 हफ्तों के लिए बाहर गए और इन 4 हफ्तों को गुजरे पूरे 4 साल हो गए, लेकिन वो अब तक वापस नहीं आए। कहा गया कि डॉक्टर्स की तरफ से उनको सफर की इजाजत नहीं, लेकिन उन्होंने कभी यूरोप की सैर की, कभी दुबई में डेरा डाला तो कभी सऊदी अरब में मेल मुलाकातें की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बाहर भेजने के लिए एक अदालत ने उस वक्त हुकूमत से उनकी जान की गारंटी मांगी थी, लेकिन कहा जा रहा है कि आज वापस आने के लिए वो खुद कुछ गारंटीज मांग रहे हैं। ये गारंटी जीरो रिस्क की गारंटी है, ये पाकिस्तान वापसी पर जेल ना जाने की गारंटी है, ये वापसी के लिए हिफाजती जमानत की गारंटी है, इश्तहारी करार देने और वारंट गिरफ्तारी वापस लेने की गारंटी है, ये नैप केसेस में सजा खत्म करने की गारंटी है, ये उनकी ताहियात नाअहली खत्म करने की गारंटी है, ये इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने की गारंटी है, ये चौथी बार मुल्क का वजीर आजम बनने की गारंटी है, ये चेयरमैन पीटीआई को सियासी रास्ते से हटाने और उनको भी ताहियात नाअहल करने की गारंटी है, अपने हिसाब से लेवल प्लेइंग फील्ड दिए जाने की गारंटी है, अपने हिसाब से तराजू के पलड़े बराबर करने की गारंटी है। चंद दिन पहले ऐलान किया गया कि रिस्क जीरो होने की गारंटी मिल चुकी है, इसलिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सितंबर में वापस आ रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात के बाद खबर मिली कि सितंबर का प्लान फिलहाल कैंसिल हो गया है और अब अगली तारीख अक्टूबर की हो सकती है, और फिर अक्टूबर की गारंटी एक दिन भी कायम न रह सकी, और अगले ही दिन खबर आ गई कि सितंबर भी कैंसिल और अक्टूबर भी कैंसिल। अब मियां साहब वापसी के लिए इलेक्शन शेड्यूल की गारंटी मांग रहे हैं, यानी उनकी वापसी ना किसी महीने से मशरूत है और ना ही किसी साल से, ना उनकी पार्टी की इजाजत से मशरूत है और ना ही उनकी सेहत और डॉक्टर्स की इजाजत से, बल्कि जब उन्हें मुल्क में इंतखाबात की गारंटी मिलेगी तभी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आएंगे। तो जनाब, इस मुल्क में गारंटीज हैं लेकिन सिर्फ ताकतवर और अमीर के लिए, और अगर यहाँ गरीब जिंदगी की गारंटी मांग लेना तो उसके बदले में उसको बिजली के महंगे तरीन बिल थमा दिए जाते हैं, कभी महाना, कभी सेमाही और कभी सालाना फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगाकर उनकी जिंदगी का फ्यूल खत्म किया जाता है, और इसी बिल में 36 किस्म के टैक्स और ना देखे जाने वाले सरकारी टीवी की फीस डालकर मजीद बोझ डाल दिया जाता है, और फिर गरीब बिजली के बिल जलाएं या खुद को आग लगाएं। यहाँ ना किसी अदालत को फर्क पड़ता है और ना ही किसी हुकूमत को कोई परवाह है। तो क्या सारी गारंटीज सिर्फ अशराफिया के लिए ही हैं या गरीब के लिए भी इस रियासत के पास कुछ है? आज के प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे, और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफी और तजियाकार हैं नसरुल्ला मलिक साहब ने, PMLN से हमारे साथ राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं, और तहरीक इंसाफ के तर्जुमान बराए मईशत और खजाना मुजम्मिल असलम साहब भी प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट।
राणा एहसान अफजल साहब, आपसे शुरू करते हैं। इस वक्त मुल्क में हकीकतन ये जो बिजली के बिल्स हैं ना, इस सूरत में आग ही लगी हुई है, और ये मईशत के हवाले से एक अरसे के बाद एक कोई इशू है जिसमें आवाम सड़कों के ऊपर आई है, और ये जो बिल्स हैं ना, ये आवाम की पहुंच, इनको देना और उनकी औकात दोनों से ही बाहर है। सर, ये आप हमें किस अजाब में छोड़ गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अगर आप मुझे इजाजत दें, आपने इतनी सारी गारंटियों की बात की, अगर इस मुल्क में सिर्फ इंसाफ की गारंटी होती तो मेरे ख्याल से ये सारी जो आपने गारंटियां बात की उसकी जरूरत ना पड़ती, क्योंकि जहां साकिब निसार का सुप्रीम कोर्ट जो है, जो आज पीटीआई की टिकटें बांटता हुआ पकड़ा गया, वो एक एजेंडे पे था कि उसने सजाएं सुनानी थी, और जब अरशद मलिक, जस्टिस अरशद की जब आ गई वीडियो जिसमें वो एडमिट कर रहे हैं कि उनके ऊपर प्रेशराइज उनको करके जजमेंट्स दी गई, तो वो शायद मिसकॉन्डक्ट पे जब उनको निकाल रहे थे तो वो जजमेंट्स भी जो है रिव्यू कर ली जाती। लेकिन चले, मैं समझता हूँ मियां साहब वापस आएंगे, और आपने अच्छी बात की सर कि इंसाफ की गारंटी होती है, और काश इस मुल्क में आवाम के लिए भी कोई गारंटी होती ना, चूंकि कहा यही जा रहा है कि पिछले 16 माह से आप लोगों ने अजाब में डाला ना इस आवाम को। आप देखिए कि कीमतें कहां पहुंच गई, एक साल में 3 से 4 गुना बढ़ी है राणा अफजल साहब बिजली के बिलों में कीमतें। सर, आप किसी रेडी वाले से भी पूछें तो वो बताएगा 25,000 रुपए आया है घर का बिल, ये गैर मामूली सूरत हाल है। तो आप, मैं एग्री करता हूं, देखें आवाम बहुत मुश्किल में है, सब मुश्किल में है, सफेद पोश भी मुश्किल में है, मिडिल क्लास भी मुश्किल में है, गरीब तो बहुत ज्यादा मुश्किल में है, और देखें हल क्या है। हमारे पास जब हमें मिला तो हमें वो गर्जशी कर्जा मिला कि जिसके ऊपर IMF कहता था कि अगर ये गर्जशी कर्जा होगा और ये इसी तरीके से बढ़ेगा तो हम आपको जो है वो लोन नहीं देंगे। ये लोग 1100 अरब से उठा के उसको 2500 अरब पे 3.5 सालों में ले गए, रोकना हमें पड़ा। जो गैस सेक्टर का जो गर्जशी कर्जा था 350 अरब से ये 1400 अरब पे ले गए 3.5 सालों में, रोकना हमें पड़ा। तो ये जब फैसले करने पड़े, और खास करके जब समर्स आती है तो जो 200 यूनिट वाले सार्फिन, क्योंकि बिजली ज्यादा इस्तेमाल होती है, तो वो उस तरीके से फिर जो इंक्रीजेस भी आई वो भी लागू हुई, जो डिवैल्यूएशन भी हुई उसका भी असर हुआ। तो मैं समझता हूँ वाकई एक ये मुश्किल इम्तिहान में ये मुल्क फंस गया है कि इतनी बड़ी आबादी है और बिजली के बिल इतने ज्यादा आए हैं और लोगों की जो इनकम है उसमें इजाफा नहीं हुआ। एहसान साहब, आप जुल्म देखिए, आप खुद भी बिजली के बिल ज्यादा आए हैं, लेकिन इसमें ये जो 36 किस्म के बेशुमार टैक्सेस हैं सर, ये भी तो बोझ लाद दिया गया है ना, और इन टैक्सेस का जो बिजली की कीमत है उससे कोई ताल्लुक नहीं है, और वो इसमें जो FPA होता है और जो QTA होता है वो तो बिजली की कीमत से लिंक्ड होता है। इसका भी बिजली के इजाफे में काफी असर है, क्योंकि ये डिवैल्यूएशन को भी रिफ्लेक्ट करता है, ये जो कॉस्ट में जो चेंजेस आती हैं इंटरनेशनली उसको भी रिफ्लेक्ट करता है। बाकी ये दुनिया में कहीं और होते हैं बिल्स के अंदर, ये चीज जो आप बता रहे हैं ये दुनिया में कहीं और भी होते होंगे ना, चूंकि हमारे यहाँ पर भी है। नहीं देखें, जो 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 कॉस्ट ऑफ एनर्जी है वो तो दुनिया हर जगह होती है। मैं आपसे जिस चीज पे मैं समझता हूँ कि एक फेलियर रहा है वो ये रहा है कि हमारा इंटरनेशनल जो लाइन लॉसेज है वो 5-6% पे, पाकिस्तान में 18-19% पे, वो कम हुए, मुख्तलिफ हुकूमतों में कम हुए, हमने भी कम किए, लेकिन आज भी वो उस हद पे हैं कि सर, जो पता नहीं कम किए नहीं, उनको रिकवर करने की जरूरत थी ना, आप जो है वो गरीब के ऊपर ही डाल दिया। और देखें यहाँ जो फाइलर्स हैं वो भी बिल्स में इनकम टैक्स दे रहे हैं सर, 15,000 रुपए बिल आता है राणा एहसान साहब, तो वो ये सारे टैक्सेस लग के 40-50,000 रुपए हो जाता है। एक आम आदमी अफोर्ड कर सकता है? उसे ये मुश्किल बातें नहीं समझ आएंगी सर, उसे नहीं पता, उसे तो ये पता है बिल इतना ज्यादा आ गया कैसे देना है उसने। ये देखिए, मैं एग्री करता हूं आपसे कि जो थेफ्ट है इस बिजली चोरी में उसका एडिशनल कॉस्ट सबको पे करनी पड़ती है, जो मैंने लाइन लॉसेस का कहा उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है, जो इस मुल्क में बहुत सारे सेक्टर्स टैक्स नेट में नहीं ला सकी हुकूमतें, और हम भी उसमें कामयाब नहीं हुए, जिस तरह रिटेल सेक्टर है जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है, आपका प्रॉपर्टी है, फिर टैक्स इवेजन है, वो टैक्सेस अगर इकट्ठे हो रहे होते तो शायद GST की शरह भी कम होती, शायद और भी कुछ टैक्सेस की शरह कम होती, तो ये ऑल अक्रॉस। सर आप पता है आप क्या कर रहे हैं, आपके आबे छेड़ो नून लीग में ही हैं, और जाहिर है फैसलाबाद से आपका भी ताल्लुक है, उनका भी ताल्लुक है, वो इस वक्त में टैक्सेस कम करने के मुतालबात कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। 16 माह आपने अभी गवर्नमेंट आप करके गए, किससे मुतालबात कर रहे थे आप सर? ये 2 माह में निगरान हुकूमत आई है, इसने ये सारे टैक्सेस लगा दिए, और अब आवाम को बता रहे हैं कि आवाम जेवरात बेच के टैक्स अदा कर रहे हैं, 2 घर में पंखे हैं और 35,000 रुपए बिली, किसको आप बातें बता रहे हैं सर? आप हुक्मरान रहे हैं। फारस,
पारस देखें बात यह है, मैं भी मुतालबा कर देता हूं कि बिजली के बिल कम कर दें, लेकिन उसको कहां से पूरा करेंगे, उस कमी को कहां से आप जो है उसको रेवेन्यू कहां से जनरेट करेंगे। अगर हम हकायक में रह के बात करें, मैं यहां एग्री कर रहा हूं, आप आबे को बताइए कि फिर ना बनाएं आवाम को ऐसी बातें। देखिए मैं आपसे कहूंगा पारस, किसी को भी ना बनाने दें, आपने रोकना है। जब कोई कहे, कोई देखे, मैं तो एडमिट कर रहा हूं कि जो चोरी है वो सब लोग कितनी कम की, किसने किस हुकूमत में कितनी कम की वो निकालें, किसने लाइन लॉसेस कितने कम किए वो निकालें, किसने जो है वो प्राइवेटाइजेशन को रोका वो हो जाती, इसके अंदर तो एफिशिएंसी आती है इन सेक्टर्स के अंदर। ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जो इसका असर है। देखिए मैं समझता हूं, लेकिन जहां आपने सर्कुलर डेट को अगर ना रोकते, अगर आप ये रीबेसिंग ना करते, तो फिर क्या होता, फिर आपको IMF लोन ना देता, तो फिर आप दिवालियेपन की तरफ जाते। तो ये वो राणा एहसान साहब ने कुछ बड़े इंपॉर्टेंट दो तीन मैं एक एक करके जरा आपसे इन पे बात करूंगी, लेकिन पहले आप ये बता दें कि आपके ख्याल में ये एक साल में बिजली के बिल्स में जो कई गुना इजाफा हुआ है, इसकी क्या वजह है? क्या फ्यूल महंगा होना वजह है? ये जो एक्सचेंज रेट है इससे भी फर्क पड़ा है? ये जो इतने बेशुमार जालमाना टैक्सेस हैं, इसकी ये सबसे बड़ी वजह है? देखें जी, पिछले एक साल में तकरीबन 100 से 250% बिल बढ़े हैं लोगों के, कम से कम 100% बढ़े और ज्यादा से ज्यादा 250% बढ़े। ठीक है जी, अब आप ये कहते हैं कि जी फ्यूल की कीमत बढ़ जाती है तो उससे बिजली की कीमत बढ़ती है। अभी हम मौजूदा बात कर लेते हैं, 51 रुपए यूनिट है इस वक्त बिजली का रेट। वैसे तो औसत किसी की 60 भी आई है 65 भी आई है, लेकिन 51 रुपए फी यूनिट, उसमें जो फ्यूल जो है, जो ईंधन सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है, वो 6.30 रुपए का हो रहा है। बाकी 45 रुपए जो है वो जो है राणा साहब लोगों का एक बहुत बड़ा कारनामा है, अजीम कारनामा है, जिसमें उन्होंने मौजूदा नस्ल, आने वाली नस्लों को मकरूज बना दिया है किराए के बिजली घरों के। उस पर इस साल बिजली की जो हमें अदायगी करनी है पूरे साल की बिलों की, वो है 4,200 अरब, जिसमें 2,026 अरब रुपए इन बिजली घरों के किरायों का है। और सितम जरीफी देखें, ये जो बिजली घरों के किराए है, ये पाकिस्तान की सिर्फ 30% बिजली भी नहीं पैदा करते हैं, बाकी सब डैम और दूसरी चीजें पैदा करते हैं। आप कैपेसिटी पेमेंट की बात कर रहे हैं? जी जी जी, कैपेसिटी पेमेंट 4,200 अरब रुपए पूरे पाकिस्तान का बिजली का बिल आएगा, जिसमें 2,000 अरब रुपए ये जो है कैपेसिटी पेमेंट है। आपको पता है केपी का बजट कितना है पूरे सूबे का? 1,400 अरब रुपए। आपको पता है पाक फौज, पूरे पाकिस्तान की फौज का बजट कितना है? 1,800 अरब। ये माशाल्लाह, ये जो इन्होंने एग्रीमेंट्स करके गए थे 2015 और 16 के बाद, और जिसके अभी तक प्लांट ये थकते नहीं है, इनकी जबान नहीं थकती कि हमने जी पाकिस्तान को लोड शेडिंग से जो है फारिग कर दिया। और इसके बाद आप एक और सुन लीजिए, कहते थे दुनिया का सबसे सस्ता बिजली का प्लांट LNG लगाया, उसका 28 रुपए फी यूनिट कराया है। फिर कोयले के बिल, कोयला के जो खाने है उसकी 25 रुपए यूनिट कराया है। और ये अभी $270 के हिसाब से, अभी आप $300 जो होंगे वो अभी अगली किस्त बाकी इंतजार। सर लेकिन दो बातें और देखें, हाँ कि पहली हुकूमत 3,000 अरब रुपए टैक्स जमा करती थी, अब बिजली की मद में टैक्स तकरीबन 4,200 अरब हो चुका है, यानी बिजली की मद में मजमूई तौर पर 1,300 अरब रुपए टैक्स का इजाफा हुआ है। ये बताइए ये PDM की हुकूमत का ही कारनामा है मुजम्मिल असलम साहब, या फिर IMF की जो सख्त शराइत है वो ये उसका हिस्सा है? सर क्योंकि अगर ये IMF के कहने पे किया जा रहा है तो फिर तो कोई भी हुकूमत होगी, चाहे वो PTI की क्यों ना हो, ये तो आपको करना पड़ेगा, टैक्सेस लगाने पड़ेंगे और आवाम को हजारों रुपए के टैक्सेस देने पड़ेंगे। पारस ये टैक्स नहीं है, ये भी है, ये बिजली की कीमत हम अदा कर रहे हैं, टैक्स नहीं है ये। टैक्स तो 31% ये जो है बिजली की कीमत में ले रहे हैं, यानी कि मैं आपको बता देता हूँ 51 रुपए फी यूनिट जो हम बिजली भर रहे हैं उसमें टैक्सेस है 15 रुपए, 15 रुपए फी यूनिट है ये कैपेसिटी पेमेंट, 6.25 रुपए जो है ये तेल और ये जो इसका ईंधन है वो, 6.5 रुपए जो है लाइन लॉसेस है, ये जो बिजली चोरी होती है, और तकरीबन 6-6.25 रुपए ये जो क्रॉस सब्सिडी, यानी कि जो सस्ती कारखानों को बिजली सरकारी मुलाजमों को मुफ्त में बिजली। सर वो मैंने ओवरऑल टैक्सेस की बात की है ना, मुझे ये IMF की शराइत का ही हिस्सा है, या आप समझते हैं ये PDM नहीं किया है, ये इनकी गवर्नमेंट करके नहीं, इन्होंने तो ये अभी ये राणा साहब मेरे साथ पिछले प्रोग्राम में भी थे, इन्होंने 3.5 रुपए जो है पुराने जो है पता नहीं कोई रिकवरी करने के लिए एक यूनिट की अलग लगा दी। IMF की इसमें कोई लेना देना नहीं है, IMF की कोई शराइत नहीं है इसमें, ये तमाम के तमाम
हमारे अपने कारनामे हैं जो हमने किए हुए हैं, और IMF आपको मना करेगा कि अगर आप कैपेसिटी पेमेंट कम कारनामा तो किया आपने। वो राणा साहब अक्सर ना कि जाते जाते जब फरवरी में पता चला खान साहब को गवर्नमेंट जा रही है तो बिजली पे 5 रुपए फी यूनिट कम और पेट्रोल पे 10 रुपए फी लीटर कम कर गए, वो कहते हैं कि उस वक्त तो बल्ले बल्ले हो गई आवाम में आपकी, लेकिन उसके बाद IMF का प्रोग्राम जो है वो रुक गया सर, और वो कहते हैं कि यही जुल्म है जो ये मुल्क इस वक्त बर्दाश्त कर रहा है। देखें पारस, ये भी तो आप गलत बात कर रही है ना कि 5 रुपए यूनिट 300 यूनिट से कम वालों के लिए किए थे, बाकी पूरे पाकिस्तान के लिए पूरी बिजली थी। हमने तो एक यूनिट इनके बगौल हमने तो एक यूनिट भी नहीं लगाया। हम तो जो इन्हीं के आपने IMF की शराइत के खिलाफ भी किया असलम साहब, चाहे आपने 300 रुपए फी यूनिट वालों के लिए किया हो। जी मैं आपको यही तो फरमा रहा हूँ कि हमने 3.5 साल में 600 या 700 अरब रुपए सर्कुलर डेट बढ़ाया। अब ये कह रहे हैं कि हमने सर्कुलर डेट रोक लिया, 100% बिजली की कीमत बढ़ाने के बावजूद 400 अरब रुपए सर्कुलर डेट बढ़ गया। ये कहते हैं हमने रिकवरी अच्छी कर ली, 94% रिकवरी थी जब इनको हुकूमत मिली थी, 80% पे आ गई, यानी कि इन्होंने बिजली भी चोरी करवाना शुरू कर दिया। लेकिन ये सर्कुलर डेट की बात देखिए राणा एहसान साहब तबा की, ये बताइए जब आपको हुकूमत मिली थी ये सर्कुलर डेट उस वक्त कितना था और जब आप गए तो उस वक्त कितना था? ये तो 1200 अरब रुपए से 2400 अरब रुपए तक चला गया। बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ मुझे राणा साहब एक मिनट बोलने दें। 2008 में पाकिस्तान का सर्कुलर डेट 0 था। 2008 से 2013 में पीपल्स पार्टी गई तो जो है पाकिस्तान का सर्कुलर डेट था 500 अरब। इसहाक डार ने पहले दिन हुकूमत संभालते हुए 500 अरब दिए और जाते जाते 1300 अरब पे खड़ा करके चले गए। इन्होंने सर्कुलर डेट की बीमारी क्यों लगाई? एक कैंसर की बीमारी आप लगा के चले गए और दूसरे को कह रहे हैं कि कीमोथेरेपी आपकी और आपने सर कम तो कर देते ना, चले बीमारी उन्होंने मारी का इलाज भी तो करते हैं ना, आपने और बढ़ा दी। हमने करते रहे, अगर हम ना करते अरे अगर हम 1994 और 2002 के मुआहदे रीनेगोशिएट ना करते, हम अगर जो है एनर्जी मिक्स को जो है इन्होंने जो पकड़ के दबा कर पता नहीं LNG के प्लांट्स लगा दिए और वो जो है LNG के जो वो जो टर्मिनल लगा दिए उसके 2.5 लाख आपको 2019 में वो बयान याद है आपको मुजम्मिल हसन साहब, उमर अयूब साहब का दावा याद है जो 2019 में उन्होंने किया था? वो कह रहे थे कि दिसंबर 2020 में हम सर्कुलर डेट जीरो कर देंगे और 300 अरब रुपए बिजली चोरों और डिफॉल्टर्स से निकलवाएंगे। आपने ये काम किया? बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि 500 अरब रुपए सालाना को जो है हम 100 अरब रुपए में ले आए। अब आप क्या चाहती हैं? ये पाकिस्तान है, इसके बाद 10 मुसीबतें यहाँ पे, ठीक है ना, उसको 500 अरब से 100 अरब रुपए में ले आए और फिर उसके बाद और हमने फिर उसके बाद एक लैंडमार्क VCOG पॉलिसी जो है पूरे मुल्क में जो है गैस की पॉलिसी अप्रूव कराई जो ये करते नहीं थे 1.5 साल में इन्होंने की पकड़ के। आप बताएं तो सही, इन्होंने 2000 अरब रुपए का जवाब तो ले ले। अब ये जवाब देंगे राणा साहब अपनी टर्न पे, मैं जरा नसीर अहमद साहब को भी शामिल, वो आपको दोनों जवाब देंगे, आपने जो कहा सर्कुलर डेट की बीमारी का उसका भी जवाब देंगे। लेकिन नसीर अहमद मलिक साहब, सर मैं एक आम आदमी की बात कर रही हूँ और आप ये बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसको ना ही नेपरा का पता है, ना सर्कुलर डेट का पता है, ना IMF की जो ये बारीकियां हैं वो आम आदमी उसको भी नहीं जानता। बिल सामने है और वो बिल वो दे नहीं सकता। मुझे बताइए आपको कोई रिलीफ का रास्ता उसके लिए नजर आता है? उसको कैसे रिलीफ दिया जा सकता है या मिल सकता है और क्यों नहीं मिला अभी तक? देखिए पारस, ये IPPs जो लगाई गई ये एक लंबी बहस है। मुजम्मल असलम साहब इसका तजिया कर रहे हैं कि कैपेसिटी चार्जेस हमें देने पड़ते हैं इसलिए बिजली महंगी है। राणा एहसान साहब के पास एक दलील होगी कि उस वक्त हमारे पास कोई बिजली के कारखाने लगाने को तैयार नहीं था, पाकिस्तान की इकानमी इतनी मजबूत नहीं थी, हमें ये एग्रीमेंट्स करने पड़े। इससे कतई नजर अगर आप सोचें कि इस मुल्क के अंदर आप तसव्वुर करें कि पावर डिवीजन के सेक्रेटरी जो हैं वो कौमी असेंबली की कमेटी को ब्रीफ करते हैं और ब्रीफ करते हुए कहते हैं कि 380 अरब रुपए की चोरी हुई है, जी, और ये चोरी इस साल के इख्तिताम तक 520 अरब रुपए तक पहुंच जाएगी। एक बन्नू का एक ग्रिड स्टेशन वहां से 5 अरब रुपए की चोरी होती है, यानी आप अंदाजा करें कि 520 अरब रुपए बिजली चोरी कर लेते हैं और ये हुकूमतें PTI क्यों, पीपल्स पार्टी क्यों, नून लीग क्यों, ये खामोशी से सोई होती हैं। इन्होंने वादे किए, हर हुकूमत ने, PTI की हुकूमत ने वादा किया, PMLN की हुकूमत ने वादा किया, किसी करप्ट ऑफिसर को, किसी ऐसे एक्सियन को पोस्टिंग नहीं दी जाएगी जिसके एरिया के अंदर बिजली चोरी होती है। लेकिन आप तसव्वुर करें कि एक ग्रिड के अंदर, बन्नू का ग्रिड है, वहां 5 अरब की बिजली चोरी होगी, किसी के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। ये सारे सरकारी अफसरान, ये वापदा के अफसरान, तकसीम कार कंपनियों के अफसरान इन हुक्मरानों को खुश करके अपनी पोस्टिंग ले लेते हैं।
और ये बड़े आराम से बाद में कह देते हैं जी ये तकसीम कार कंपनियां थी, ये उनकी कोताही है, ये लाइन लॉसेस हैं, और जो अफसरान को बिजली मुफ्त दी जाती है वो भी आपके सामने है। सर ये रिपोर्ट आपने देखी नसरुल्लाह मलिक साहब, एक रिपोर्ट तलब की है। जी जी ये आपने रिपोर्ट है कि सरकारी अफसरान जो हैं जिसमें सभी शामिल हैं और वुजरा भी, ये 90 लाख गाड़ियों को 220 अरब रुपए का मुफ्त पेट्रोल और 550 अरब रुपए की बिजली मुफ्त दी जा रही है और ये पैसा अवाम दे रहे हैं, ये इनको शर्म नहीं आती कि अवाम पे इतना जुल्म होने के बावजूद भी कुर्बानी अवाम ही दे रही है? नसरुल्लाह मलिक साहब क्या ख्याल है, वक्त नहीं आ गया कि ये सरकारी बाबू दे ना सारा बिल सर, ये बाबा के जो लोगों को फ्री यूनिट दिए जा रहे हैं बंद करें ना सर, ये जजेस और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं ये अवाम के साथ इस बहरान में खड़े हो ना सर। पारस यही डूब मरने का मकाम है, 550 अरब वो 520 अरब रुपए की बिजली चोरी, यानी आप 1200 अरब की बिजली चोरी कर रहे हैं, आप कहते हैं सर्कुलर डट हमारा बढ़ गया है, यानी आप ये चोरों को रोके और चोरों को कैसे रोके? केपीके के अंदर सबका हुकूमत थी, मुजम्मल साहब की हुकूमत थी, उस जमाने में बिजली चोरों के खिलाफ एक ऑपरेशन का आगाज हुआ, वहां पुलिस गई, एफआईए की टीमें गई, उनको पकड़ के मारा गया, अराकीन असेंबली मारने वाले थे, सूबाई वुजरा मारने वाले थे, यानी आपके अंदर ऐसे माफियाज बन चुके हैं, इन्होंने वोट लेने होते हैं, ये चोर की भी गवाही देते हैं, चोर को छुड़ाने भी पहुंच जाते हैं, यानी ये हाल हम इस मुल्क का कर दिया है कि बिजली चोर दंदनाते फिरेंगे, गरीब आदमी बिल लेके बेचारा 35-35 हजार रुपए, जिसके घर की तनख्वाह जिसकी अपनी 32 हजार रुपए, वो 35 हजार का बिल लेके घूम रहा है। नसरुल्लाह मलिक साहब हमें इस बात को कहना चाहिए, आप सही कह रहे हैं, देखिए बिल देने के लिए आवाम फाके कर रही है और ये जो अशराफिया है सर, ये मराती याफ्ता जो तबका है इनको हजारहा यूनिट्स फ्री में दिए जा रहे हैं, ये आवाम पे मजीद बोझ पड़ रहा है, इससे इनको खड़ा होना चाहिए इस बहरान में सर, बंद होने चाहिए इनके ये फ्री यूनिट्स। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूं, अभी आप गाड़ियां देखें, यानी एक असिस्टेंट कमिश्नर को डबल कैबिन गाड़ी दे दी गई, उसकी फ्यूल एवरेज मुझसे बेहतर मुजम्मल असलम साहब जानते हैं, राणा साहब जानते हैं, यानी ये कौन सा मुल्क है जहां डबल कैबिन गाड़ियां देते हैं, जहां आप लैंड क्रूजर देते हैं? या पंजाब हुकूमत की बात करें, पंजाब में जो निगरान हुकूमत है उन्होंने गाड़ियां दी है ना, आपने सीएम का जवाब इसमें सुना था कि वो किसमें आएंगे ऑफिस पे? वही आपसे अर्ज कर रहा हूं, वही अर्ज कर रहा हूं, कल फेडरल मिनिस्टर जो है वो सनत के इंडस्ट्री के, वो कल बता रहे थे कि एक हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल जिना हॉस्पिटल, जहां का 7 बिलियन रुपीज जो है वो बजट है, उसमें से 6 अरब रुपए वो एडमिनिस्ट्रेशन की कास्ट है, तनख्वाहें हैं उसमें, बिजली के बिल हैं, 1 अरब रुपए से पूरे हॉस्पिटल के मरीजों को अद्वियात दी जाती हैं। मसला यह है कि ये शाफिया के अल्ले तल्ले इतने हैं कि सारे अखराजात तो इनके ऊपर होते हैं, आप इनके ये सारे बिजली के बिल बंद कर दें, मुफ्त बिजली बंद कर दें, बिजली चोरी रोक दें, लाइन लॉसेस रोक दें, बिजली की कीमत आधी हो जाएगी। राइट, अच्छा सर मैं एक ब्रेक ले लूँ, ये वजीर आजम है उन्होंने बिजली चोरी रोकने और मुफ्त बिजली की फरामी रोकने की हिदायत तो की है, लेकिन ये अब जो अहकाम दिए हैं पता नहीं इस पर अमल दरामद अल्लाह करे के हो जाए, चूंकि जो मुंतखब हुकूमतें हैं वो तो नहीं कर सकी, जो आप बात कर रहे थे कि निगरान हुकूमत पता नहीं कैसे करेगी। ब्रेक लेते हैं फिर जरा, राना एहसान साहब और मुजम्मिल असलम साहब आप जरा इसके ऊपर जवाब दीजिएगा सर, ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज पीट। अच्छा राना एहसान अफजल साहब, ये हर चीज तो आवाम की पहुंच से बाहर हो रही है सर, डॉलर ओपन मार्केट में 315 से ऊपर चला गया है, पेट्रोल जो है वो 291 का है इस वक्त में, और सुना है कि 1 सितंबर को एक मजीद पेट्रोल बम गिराने की तैयारी भी हो गई, इन तमाम चीजों का इल्जाम भी आप पीटीआई की गवर्नमेंट को ही देंगे सर? देखिये पीटीआई की गवर्नमेंट को अगर कोई इल्जाम बनता है तो वो सर्कुलर डेट को 1.5 गुना बढ़ाने का बढ़ता है, गैस सेक्टर के खसारों को कह लें कि 4 गुना बढ़ाने का बनता है 3.5 सालों में, कोई एलएनजी की कुछ सस्ती बाइंग जब इनको $3-4 की मिल रही थी लॉन्ग टर्म मुआहदे वो इन्होंने नहीं किए, उसका बनता है, बिल्कुल बनता है, फर्नस ऑयल माफिया को इन्होंने मेरिट ऑर्डर के खिलाफ अकोमोडेट किया उसका बनता है, बाकी जो मिसमैनेजमेंट इन्होंने इकोनॉमी में की, बिल्कुल जब ये रेट सस्ते करके गए, कोई 300 यूनिट के लिए नहीं करके गए थे, ऑल अक्रॉस करके गए थे, तो वो जो तब बढ़ाने की समरी थी, बिजली बढ़ाने की समरी थी तो वो ये कम कर गए, इसी तरह पेट्रोल बढ़ाने की समरी थी ये कम कर गए, तो ये सारे इल्जाम लगते हैं IMF के मुआहदे के साथ, जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाया के कोई ट्रस्ट ही ने किया जो है वो, तो वो भी इनके ऊपर बिल्कुल बनता है, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर जो है वो बड़े बड़े मसाइल हैं, हमारे पास ये जो एक एनर्जी क्राइसिस दुनिया में आया उसको सहने का बफर नहीं था और बुरे तरीके से मिक्चर एक्सपोज हुई, ये एक हकीकत है, हमारा एक डीवैल्यूइंग करेंसी है पिछले 20-30 सालों से, लेकिन हम उस तरीके से जो है अपनी ट्रेड इम्बेलेंस को दुरुस्त नहीं कर सके, तो वो उसकी वजह क्या है, पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही 2018 में,
आपने देखा कि किस तरीके से एक एजेंडा नाफिज किया गया इस मुल्क के ऊपर। हमारी पॉपुलर थी, हम जीत रहे थे इलेक्शन, लेकिन हमें हटा के इनको इंस्टॉल किया गया, और फिर जो कौम ने जो तमाशा देखा इनके साथ वो सबके सामने। तो ये चीजें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब तक क्लियर नहीं होती, मैं समझता हूँ कि माशी प्रॉब्लम भी इसी तरह। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस्तेहकाम जो है वो भी एक मेन फैक्टर है, लेकिन ये बताइए कि अब कितना अरसा और ये डिफॉल्ट से निकलने की खुशखबरी जो है उसको आप लोग उसका जश्न मनाते रहेंगे, कितना और टाइम लगेगा? अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो इसका क्रेडिट भी आर्मी चीफ को ही देते हैं सर, लेकिन ये मुल्क का एक एक शख्स दिवालिया हो गया इस वक्त में, ये कैसा सौदा था राणा एहसान साहब? देखिए मैं समझता हूँ कि ये एक तो आलमी दुनिया के अंदर हर मुल्क जो है वो इन्फ्लेशन की नजर हुआ हुआ है, हमारा मुल्क ज्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ डी वैल्यू हो गई, करेंसी ज्यादा हो गई, तो ये एक असर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब आगे आने के लिए जब तक अब आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे जिसके अंदर ये जो मरात हैं अगर गैर जरूरी है तो खत्म होने चाहिए, सब्सिडीज को हमें जो है वो दोबारा देखना पड़ेगा, पेंशन को देखना पड़ेगा, टैक्स रिफॉर्म्स को देखना पड़ेगा, प्राइवेटाइजेशन करनी होगी, ये चीजें अब भी नहीं होंगी जो मिसाल के मईशत की बातें होती थी तो फिर ये मुल्क आगे नहीं चल सकेगा। तो ये अब हकीकत है, ये मसाइल राइट। मुजम्मिल असम साहब, दो तीन बातें, एक्सचेंज रेट जो है ये काबू में क्यों नहीं आ रहा, और IMF के बाद तो सर लग रहा था कि रुपया मजबूत होगा, तो वो दो तीन दिन का ही क्या खेल तमाशा होता है, उसके बाद रुपया जो है वो डी वैल्यू होना शुरू हो जाता है, और ये इस्तेहकाम क्यों नहीं पकड़ता? यही वजूहत है कि सियासी अदम इस्तेहकाम और अनसर्टेनिटी ही वजूहत है मेन इसकी। देखिए सबसे पहले तो एक्सचेंज रेट तो इनके अरस्तु आए थे ना, जो जब हम 180 रुपए में हमारा डॉलर था तो उस वक्त उनको बहुत महंगा लगता था, वो कहते थे 100 रुपए का होना चाहिए जी, और फिर जब हम चले गए तो उन्होंने कहा 200 का होना चाहिए, फिर 240 का। तो ये तो जो इनके राणा साहब के अरस्तु आए थे दुबई से खास, अमेरिका से लाए थे, यूके से खास लाए थे, ये उनसे पूछे, ये तो कम्प्लीटली इन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट की कॉन्फिडेंस का किया जी। पाकिस्तान की तारीख में प्रोग्राम इवन श्रीलंका है उसका भी IMF प्रोग्राम पड़ोस में हुआ, जब पाकिस्तान का IMF पाकिस्तान की रुपए की कदर में इजाफा हुआ, ये पहली दफा ऐसा हुआ कि IMF का प्रोग्राम वापस से बहाल हुआ, दो दफा इनके दौर टाइम में, एक पिछले साल अगस्त में और फिर अभी इस साल जुलाई में, दोनों दफा जो है रुपए ने उल्टी कलटबाजी मार ली। उसकी वजह ये थी कि इन पे और इनकी हुकूमत पे पाकिस्तानी अवाम, ओवरसीज पाकिस्तानी और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स किसी का कॉन्फिडेंस नहीं। अब आप सितम जरीफी देखें, 180 से डॉलर 300 रुपए हो गया, और रेमिटेंसेस जुलाई के महीने में 2 अरब डॉलर पे आ गई, 2021 में ये 2.7 अरब डॉलर थी, 2.7, दो साल पहले जब 180 का डॉलर था। जब रुपए की कदर गिरती है तो मुल्क में ज्यादा जरे मुबादला आता है, इतना बुरा हाल इनकी कॉन्फिडेंस का, तो इन पे किसी को एतमाद ही नहीं, इनकी गवर्नमेंट पे किसी को एतमाद नहीं। और फिर दूसरी बात ये कि जो आपने कहा कि अब मजीद क्यों अनसर्टेनिटी जोन पे है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल वो ही नहीं बन रहा अभी तक, लैंडस्केप ही नहीं बन रहा कि इलेक्शन 3 महीने में आते रहे। मुजम्मिल असलम साहब, आपने देखा कि स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर जा रही थी ना सर, और जो इंडेक्स है वो भी ये 48,000 से ऊपर चला गया था, तो ये लग रहा था कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कुछ एतमाद बहाल हो चुका है और अब शायद कुछ दिनों के बाद जो है वो मईशत दौड़ने लगेगी, लेकिन फिर वही सूरत हाल है, हम तो वहीं खड़े हैं, बैक टू स्क्वायर वन। पारस 5 अगस्त तारीख है, 5 अगस्त आपको पता है ये तारीख 5 अगस्त को क्या हुआ था, याद है आपको कुछ? जी सजा हुई थी चेयरमैन PTI को। उस दिन से लेकर आज तक स्टॉक मार्केट जो है नीचे 2000 पॉइंट से ज्यादा स्टॉक मार्केट डाउन है, और आपकी करेंसी 20 रुपए निकल गए। ये जो जुलाई में मुआहिदा हुआ था आपके साथ, पहले भी प्रोग्राम हुआ था, ये IMF पहले हमारे पास आया, हमसे बात की, उस पर हमने नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखा, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को बैक सीट पे रखा, और वो एक मुआहिदा जो है उसमें साथ हामी भरी, उसके बाद वो टर्न अराउंड आया। उससे पहले तो जिसे कहते हैं कि लंका ही ढा बैठे थे ये लोग, ये तो इनके वजीर आजम साहब कह रहे थे कि एक्शन प्लान बी है, प्लान सी है, वो इसहाक डार साहब कह रहे थे कि मैंने वजीर आजम से गारंटी ली है कि अगर IMF 30 तारीख को नहीं हुआ तो मैंने जो टैक्सेस लगाए सब वापस करूंगा। ये आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद है, आपने देखी थी कि नहीं देखी थी? तो वो अब जो है, अब वो लंदन गए हैं तो लंदन कह रहे हैं कि मैं लंदन आया हूं तो मुनासिब नहीं है पाकिस्तान के बारे में बात करना, और वजीर खजाना साहब
जो वजीर आजम बनने के चक्कर में थे, केयर टेकर कंटिन्यूटी की बात कर रहे थे, 48 घंटे में दुबई निकल गए, आज वो भी लंदन बैठे में। तो जब इस तरह के लोग बैठे होंगे तो हु इज गोइंग टू मतलब पुट दे स्किन। अच्छा वैसे क्या लगता है मुजम्मिल असलम साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, एक तो खुद भी आप बताएं, आपको लगता है कि उनकी जमानत हो जाएगी, और अगर उनकी जमानत हो जाती है तो फिर कुछ लगता है कि हालात में कुछ बेहतरी आ जाएगी? चूंकि आपने 5 अगस्त की एग्जाम्पल भी दी ना कि उसके बाद तो स्टॉक मार्केट जो है वो अप हो ही नहीं सकी, तो कुछ फिर मौसी हालात में बेहतरी आ जाएगी? देखिए पहली बात तो यही बात तो ये कि वो तो मेरे हिसाब से जेल में डाले हैं, वो तो कैद में है नहीं, कैद में तो मुस्लिम लीग नून है बिचारी, ठीक है ना। नंबर टू बात ये कि उनका केस तो आपने आला अदालतें जो है दोनों इस्लामाबाद और सुप्रीम कोर्ट के कॉमेंट्स ही सुन लिए होंगे, तो उनकी तो जमानत को लेट किया जा रहा है, बस उनको अंदर रखना है। शौक तो कल की जो है वो भी खदशा है आपको कि किसी वजह से मुलतवी हो सकती है? अल्लाह करे कि सब सेहतमंद रहे। वैसे नहीं, आजकल तो ये देखें ना, नून लीग के साथ तो ये मसला है कि जब ये हुकूमत में नहीं होते तो सेहत खराब होना शुरू हो जाती है। अभी उनके वकील की सेहत खराब थी जुम्मे वाले दिन, अब कल देखें अल्लाह करे सबकी सेहत सही हो, लेकिन इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है। अल्लाह ताला सबको सेहत दे, कहा जा रहा है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कुछ अच्छी नहीं है, वो भी खराब हो रही है। मैं नसरुल्ला मलिक साहब से जरा इस पे पूछती हूँ। नसरुल्ला मलिक साहब, चेयरमैन पीटीआई की जमानत का कल कोई चांस लग रहा है सर आपको? देख रहे हैं आप जमानत होते हुए, क्योंकि ये देखें जो तमाम ज्यादातर आईनी माहरीन जो हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस किस्म के जो केसेस होते हैं ना, या उनके अंदर जल्दी जमानत हो जाती है, लेकिन अगर कुछ मामलात और हों तो फिर जाहिर है ये प्रोलॉन्ग भी हो सकता है या किया जा सकता है। देखिए मैं समझता हूँ कि उनकी जमानत हो भी जाए तो मसला चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की रिहाई का है, जो उनकी रिहाई होती हुई नजर नहीं आती। अभी मुजम्मर साहब तनकीद कर रहे थे अपने जो मुखालफीन हैं जब वो हॉस्पिटल जाते हैं, बीमार हो जाते हैं जी। अभी साबका खातून अवल बुशरा बीबी की दरखास्त है कि इमरान खान साहब की सेहत दिन ब दिन बिगड़ रही है, उनकी सेहत जेल के अंदर खराब हो रही है। सब सियासतदानों का अलमिया है, वो जेल से बाहर बड़े दलेर होते हैं, जेल में जाते ही सब बीमार हो जाते हैं, कोई एक बीमार नहीं होता। असल मसला यह है कि अगर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को रिहा भी कर दिया जाए, क्या मुजम्मल असलम साहब, क्या राणा एहसान साहब ये समझते हैं कि मुल्क की मीशत कल से बहुत बेहतर हो जाएगी? बिल्कुल, यानी इस मुल्क की मीशत के साथ खलवाड़ किया गया, ये बात हमें मानने में कोई आर नहीं होनी चाहिए। आपके पास एजेंडा था कि हम चोरों से पैसे निकलवाएंगे, आपके पास एजेंडा था कि हम चोरों को पकड़ेंगे और जिन जो टैक्स चोरी करते हैं हम उनको कटहरे में लाएंगे, उस एजेंडे के ऊपर क्या हुआ? आपके पास एजेंडा था कि गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे, किसने आकर इन्वेस्टमेंट की? यानी हत्ता के ये सूरतयाल पैदा होगी कि लोकल इन्वेस्टर्स भागना शुरू हो गए, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को कराची जाकर बिजनेस कम्युनिटी से मिलना पड़ा और ये कहना पड़ा कि हम आपका एतमाद बहाल करते हैं, आप पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। यानी ये बयानबाजी बड़ी खूबसूरत लगती है कि फलां शख्स इक्तदार में आ गया तो बड़े अच्छे दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। जो आप एजेंडा लेकर आए एहतसाब का, उसका आपने सत्यानाश कर दिया एमएसटी स्कीम देकर, कि अगर आपके पास काला धन मौजूद है उस काले धन को सफेद करा लीजिए। यानी चोरी का लूटा हुआ पैसा आप जो है उसको व्हाइट मनी बना लीजिए, यानी फिर आप कैसे चोर को पकड़ सकते हैं? यानी इस मुल्क के अंदर हुकूमतें जितनी बनती रही हैं, हम इशाफिया को सपोर्ट करते हैं, हम उनके लिए रास्ते निकालते हैं, उनको हम पैसे देखिए। आज मैं आपसे अर्ज करूं, एक प्रॉपर्टी के बहुत बड़े टाइकोन है, यानी खान साहब उनके हवाले से तकारीर आप चला सकते हैं। खान ये कौन से प्रॉपर्टी दादा, हम डरते क्यों हैं नाम लेते हुए? नाम लेके बात करें ना सर, कौन है वो प्रॉपर्टी टाइकून? अलीम खान साहब हैं, उनके बारे में इमरान खान साहब कहा करते थे कि ये वो शख्स है जो सेल्फ मेड आदमी है, ये इतने गरीब लोगों की मदद करता है, इसने आप लोगों को पता ही क्यों नहीं ये कितना बड़ा फरिश्ता है। फिर आप उनके खिलाफ तकारीर करने शुरू हो गए। क्या इस मुल्क के अंदर बड़े बड़े प्रॉपर्टी टाइकोन्स को हुकूमतें फायदे नहीं पहुंचाती? जी आप सब्र करें, यकीन माने, मैंने एक दफा यहां से जो एलडीए के चेयरमैन है उनसे पूछा कि लाहौर में बनने वाली जो हाउसिंग स्कीमें हैं इनमें से सबसे नीट शफी और क्लीन कौन सी स्कीम है जिसमें आप समझे कि कोई कानून की वायलेशन नहीं हुई? तो वो खामोश हो गए, काफी सेकंड खामोश रहे। मैंने कहा जवाब तो दे दें। उन्होंने कहा जी ये कहना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक बात, यानी आप सरकारी जमीनें हाउसिंग स्कीम के अंदर शामिल कर लेते हैं, कब्रिस्तानों की जमीनें शामिल कर लेते हैं और यही हुक्मरान उनको एनओसी देते हैं,
और इसलिए कि इनकी सपोर्ट इनको मिलती है, बाद में कहते हैं नहीं ये मिलजुल कर ही मामला चलते हैं ना सारे। आपने अभी कहा कि चेयरमैन पीटीआई की जमानत तो रिहाई का मतलब उस पर आपको शक है, तो आपको लगता है कि रिहाई नहीं हो पाएगी? और सर क्या आप ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस हद तक जाएगी कि उनको तमाम जो मुकदमात हैं में ब्लैंकेट जमानत दे दे? मेरा नहीं ख्याल सुप्रीम कोर्ट इस सूरत तक जा सकती है कि तमाम मुकदमात के अंदर उनको जमानत दे दी जाए, क्योंकि उनके केसेस डिफरेंट केसेस हैं। बाज केसेस में उनकी जो तहकीकात जारी है उनमें से इमरान खान साहब की रिहाई फौरी मुमकिन नहीं है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी 50-50 हो सकता है। ये कहना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिल जाएगा कोई ऐसा रिलीफ, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई ऐसा रिलीफ मिलेगा कि तमाम मुकदमात खत्म करके उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। ठीक है जी, आगे आप तैयार है ना अगर इसमें भी जमानत होती है तोशाखाना में भी? कल राणा एहसान साहब, ये इलेक्शन की तारीख का मामला भी सर आप देख रहे हैं कि अभी भी ये अटका हुआ है, और ये जो आईन है ये तो सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान लग रहा है ये फुटबॉल बना हुआ है, ये हमारे यहाँ 90 दिन में इलेक्शन होना ये रॉकेट साइंस क्यों बन गई ये चीज? देखिए मेरे ख्याल से इसको रॉकेट साइंस बना लिया है, बड़ा सिंपल सा मामला है। जब सेंसेस नोटिफाई कर दिया जाता है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसके बाद डीलिमिटेशन का प्रोसेस होना है, और डीलिमिटेशन के प्रोसेस के ऊपर हर जमात की अपनी राय है कि उसको जल्दी कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें। लेकिन आपके ख्याल में क्या है, ज्यादा बेहतर मर्दमशुमारी और डीलिमिटेशन जो है या तो ये पहले कर ली जाती या फिर पुरानी जो मर्दम ये हल्का बंदियां हैं इसके ऊपर इलेक्शन करवा लिए जाते, चूंकि अब एक तरफ आईन है और दूसरी तरफ इलेक्शन एक्ट है सर? नहीं ऐसे नहीं है, सेंसस भी आईन का हिस्सा है और उसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, और ये भी एक आईनी प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस की डेट आ दो बड़ी सियासी जमातें मुतालबा कर रही हैं कि पुराने अलकाबंदियों के ऊपर इलेक्शंस करवाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल ये बात कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात कर चुकी है सर। देखें ये हम भी ये बात कर सकते हैं कि आप इसको जल्दी कर लें डीलिमिटेशन प्रोसेस को, या ऐसे कर लें या वैसे कर लें, लेकिन इसका तयन तो एक आईनी अदारा जो कि ईसीपी है जिसकी जिम्मेदारी है उसने करना है, और उसने एक स्केड्यूल निकाल दिया है 14 दिसंबर का कि 14 दिसंबर तक जो है वो ये डीलिमिटेशन का प्रोसेस अब इतराजात के साथ मुकम्मल हो जाएगा, और उसके जो विद इन 60 डेज जो है आपको लगता है हो जाएंगे इलेक्शन उसके 60 डेज? क्यों नहीं आपको लगता है? नहीं क्यों, अभी इलेक्शन सेनेट इलेक्शंस भी है, रमजान भी आ रहे हैं सर उसके बाद। नहीं देखें अभी अगर डिले है तो वो एक आईनी वजह से डिले है कि डीलिमिटेशन का प्रोसेस होना है, ठीक है, जब वो हो जाएगा तो फिर डिले क्यों होगा? ओके तो मुजम्मिल असलम साहब इस पे लास्ट कमेंट जरा कर दें, आप समझते हैं कि इलेक्शन की वाला मामला भी सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा या आपको लगता है कि वक्त पे इलेक्शन हो जाएंगे ये डीलिमिटेशन के बाद? मुजम्मिल असलम साहब जरा अनम्यूट कर दें, आपकी आवाज नहीं आ रही प्लीज। देखें जी पारस, आज केपी में वापस जो है बलियाती इलेक्शन था और तकरीबन 75% जो है ना सीटों पे स्वीप कर दिए पीटीआई ने, तो अगर ये सूरत हाल रही तो ये अभी ये पीटीआई उस वक्त है जिसमें उसका चेयरमैन अंदर है और उसके लोगों भागे हुए हैं, मफरूर हुए हैं, छापे पड़ रहे हैं, जो है गुब्बारे उड़ाने नहीं दिए जा रहे, उसके बावजूद ये हाल है। तो इलेक्शन तो ये इनके अच्छे भी नहीं अभी मतलब उसकी तरफ आएंगे ये लोग, और रहा सवाल ये कि इन्होंने जो रास्ते दिखा दिए हैं कि किस तरह इलेक्शन नहीं होने, ये इन्होंने बड़ी गंदी रिवायत डाल दी है।